कॉलेज, जब यहाँ जाओ तो शराफत के साथ, मगर जब यहाँ से बाहर निकलो तो अपनी सारी शराफत कॉलेज छोड़ दो। रास्ते में एक एक बंदे को बताना कि लड़का पंजाब से पढ़कर आया, मजाक है क्या? अपने हाथ पे टैटू, शर्ट पैंट से बाहर, अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर, स्लीव्स फोल्ड, और तेरे भाई का स्वैग। What's up everyone, internet, my name is Zain Labdeen, welcome to attend the vlog. और ना ये वीडियो मैं चौथी दफा बना रहा हूँ। पहली दफा मैंने बनाई तो कैमरा ही बंद था, दूसरी दफा मैंने बनाई तो ऑडियो बंद था, तीसरी दफा मैंने बनाई तो एडिटर में मसला हो गया। अभी चौथी दफा बना रहा हूँ और 7 बज और पहली दफा मैं रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने इंट्रो देखा कैसा था? मस्त था, पता है मुझे। अच्छा अब दूसरी बात ये थी कि ना मेरे से किसी ने पूछा था कि आप कॉलेज कैसे आते जाते हो, तो यार मैं कॉलेज ऐसे आता जाता। मतलब कि सवाल का जवाब सिनेमैटिक्स में, लड़के क्या बात कर रहे हो? और दूसरी बात, पंखा बंद है, आपके भाई ने हुडी पहनी है, सामने हीट वाली लाइट पड़ी हुई है, तो ना आपके भाई को गर्मी बड़ी लग रही है। लेकिन किसी महान आदमी ने कहा था गर्मी इज परमानेंट, नहीं लेकिन कभी किसी महान आदमी ने कहा था गर्मी इज टेम्पररी बट स्वैग इज परमानेंट। अच्छा यार अभी और बात, जो मैंने ड्रेस करनी थी वो थी लोकेशन आपके भाई ने चेंज कर लिया है। क्यों? क्योंकि जब पहली दफा मैं, जब वो लोग मुझे काफी अच्छे से देख रहे हैं, उन्हें पता था कि जब मैं पहले वीडियोस बनाता था तो मैं छत पे वीडियोस बनाता था, फिर मैं सामने वीडियोस बनाता था बिल्कुल, क्योंकि सामने सूरज की रोशनी आती थी, मैं वीडियो वगैरह बनाता था, कॉमन सेंस। अब किसी ने कहा है भाई किसी ने कि ना पीछे बैकग्राउंड बहुत खाली लगता, तो मैंने कहा यार अब सही है, अब भी कोई मसला है तो फिर मैं इधर बना लेता हूँ वीडियो। अच्छा और एक और बात यार जो करनी थी कि ना कॉलेज के बारे से, कॉलेज में ना हम पढ़ने वढ़ने तो जाते नहीं है, कॉलेज में जो हम करने जाते हैं वो ये है। अच्छा इस नॉलेज कम्स टू टाइटल ऑफ वीडियो व्हिच इज बर्गर वाम। आप लोगों को ये बर्गर वाम पाकिस्तान के हर कोने में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ना इस वाम की कसरत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बीकन हाउस और एलजीस वगैरह के बारे में लगी। अच्छा और अगर आपको कभी इस बर्गर वाम से टाकरा हो और अगर आप इनसे कभी पूछें कि यार तुम कहाँ कहाँ गए हो, तो ये लोग शुरू ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यार तुम कहाँ कहाँ गए हो, यार मैं लास्ट ईयर अबू धाबी गया था, मैं दुबई गया था, मैं इटली गया था, मैं मॉस्को गया था, मैं रशिया गया था, मैं रोमेनिया गया था, मैं यूके गया था, मैं यूएसए गया था, इतनी जगह यार एक तो ये लोग गए हुए थे, साले इधर तो हम लेना है, मतलब कि व्हाट इज यार, मतलब बंदे ने जवाब ना हम जैसे बोले मरी गए थे और बस फिर नीचे गए भैया। अच्छा अब ना हम लोग उसके बाद आते हैं इनकी ड्रेसिंग पे। इनकी ड्रेसिंग जो है ना मेरे जैसे और आप जैसे लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर होती है, मुझे नहीं समझ आता भाई ने क्या पहनते हैं यार ये। फॉर एग्जाम्पल्स कभी आप लोग ये समझ आए कि एक सही पैंट 1000 रुपए की और एक फटी हुई पैंट 6000 रुपए की है, और ये लोग बर्गर वाम ऐसी चवल होती है कि ये लोग को फटी हुई 6000 रुपए की पैंट खरीद भी ले, पता नहीं क्या लगता है, नहीं लगता है कि चीजें फाड़ के उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम लोग आते हैं इनके वालिदैन पे। इनके जो वालिदैन होते हैं ना वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह के होते हैं, अपने 10-12 साल के बच्चों को ना उनकी बर्थडे पर आईफोन एक्स मैक्स प्रो प्लस 11 माइनस मल्टीप्लाई पता नहीं कौन कौन सी सीरीज लेके दे देते हैं, और उनके बच्चे भी ना सारा दिन ना अपना मुंह उस फोन के अंदर घुसा के रखते हैं, और उनके वालिदैन उस टाइम सोच रहे थे कि बच्चा सेल्फ टाइम स्पेंड कर रहा है, बच्चा मैच्योर हो रहा है। अच्छा अब ये मैच्योरिटी अगर हम लोग दिखाए ना तो हमें तो भाई दिन चंडे पड़ती हैं आपस वाली बात। अच्छा अब ये लोग सारा दिन ना उसमें अपना मुंह घुसा के करते क्या रहते हैं, ये लोग बात करते हैं सीरी से, सीरी एक फीचर होता है एप्पल में, आई एम श्योर सारों को पता होगा। ये लोग ना सारा दिन सीरी की जान नहीं छोड़ते क्योंकि असल में तो कोई लड़की इनसे बात करती नहीं है,
और तेरे टाइम आता है जब असल में सीरी में से तंग आ जाती है, कहती हो तेरी भैन दी सीरी यार मैं माफ कर, तेरे घर में कोई नहीं है यार जिससे तू बात करे, वाई मी। तो फिर इनका ताल्लुक खुलता है इनके घर वालों से जब उनके घर का नेट बंद या खत्म हो जाता है। अबे नेटवर्क को क्या हुआ? आपको मैंने कहीं देखा है? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरी माँ कितनी खूबसूरत। अभी टाइम स्टोरी नेट नहीं, जब हम जैसे लोगों की बर्थडे आती है ना तो हमारे अम्मी अब्बू तो सीधा सीधा कह देते हैं बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब बर्थडे नहीं, बर्थडे खत्म, खल्लास, बर्थडे से 5 साल। अब जब ऐसे लोगों की बर्थडे वगैरह आती है ना तो ये लोग मांगते हैं अपनी अम्मी अब्बू से ट्रिप्स, हमें वेस्ट इंडीज लेके जाए, श्रीलंका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, और इनके अम्मी अब्बू लेके भी चले जाते हैं। वैसे ना बर्गर वहां दो तरह की होती है, एक होती है जो पैदाइशी बर्गर होती है, इसका तो मुकाबला मैं कहता हूँ कर ही नहीं सकती, फिर एक वो वहां होती है जो बर्गर बनने की कोशिश करती है, विच इज रॉन्ग। अब हम लोग आते हैं हमारे वाले देने ग्रामीण पर, हमारे वाले देन क्या करते हैं, हमारे वाले देन से मांग लो ना आईफोन, आईफोन क्या एक घड़ी मांग लो ना, पापा वो घड़ी पुरानी वाली घड़ी की तरह मैंने फेंकी, एक दिन आएगा जब तुम कहोगे माँ बाप भी पुराने हो गए तो उन्हें भी फेंक दोगे, मतलब क्या यार घड़ी माँ बाप बड़ा फर्क है यार, वॉट इज। फिर आते हैं हमारी माओ पे, माए तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह यार। अब हमारी माओ का रवायती स्टाइल, किचन में जब जाएंगी ना तो अभी रोटी का पेड़ा बना हुआ नहीं होता, पीछे से बच्चों को आवाज लगा रही है बेटा रोटी बन गई है आके खा लो, बच्चा जहां पे जाता है बेटा 2 मिनट बैठो मैं भी बना रहा, मतलब क्या माँ मेरा वक्त कीमती है, इतनी देर में विक्सन की साइट डाउनलोड हो जाती है। फिर हम लोग आते हैं हमारी माओ के ना सवाल जवाब, हमारी माओ के हमसे सवाल जवाब अजीब करते हैं, अगर किसी की तबीयत खराब है ना, मामा मेरी तबीयत खराब है, क्यों बेटा क्या हुआ, अभी तो बताया तबीयत खराब, बच्चा कॉलेज से लेट आ गया, बेटा लेट हो गए जी पता है मुझे लेट हो गए, मैं ही लेट हूँ, अब बच्चा कॉलेज से जल्दी आ गया, बेटा जल्दी वापस चला जाता हूँ यार, आ गया वो बंदर घुसने दो, क्या मजाक है ये। फिर अब ये जो बर्गर वहां होती है ना, ये लोग जो बाहर से कोई चीज, अब ये लोग छोटी मोटी चीजें तो लेके नहीं आते, ये लोग लेके आएंगे 70-80 हजार का एंटीक डेकोरेशन पीस, और आई थिंक मॉम इवन इसे किधर रखना है उसकी अम्मी की, बेटा जिसकी पिछे है हमारे ऐसे लोग, मैं अगर बाहर से ना लेके आऊँ मामा जी किधर रखना, सिर पे रख दो, मैं सिर पे क्यों रखूँ यार। तो कभी कभी हमारे वाले हैं ना ऐसा वो सैविज किस्म का जवाब देते हैं कि दिल करता अपना ग्लास में पानी ले और उसी में डुबकी लगा के मर जाए, साली सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है, हम जैसे लोगों की तो वैसे नहीं होती लेकिन जो थोड़ी बहुत होती है वो वैसे खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं फड्डों पे, जब किसी पिंडी के लोंडे का या फिर किसी लाहौर के आवारा तरीन चर्च का फड्डा होता है तो वो बुलाते हैं अपने 7-7 फुट के दोस्तों जो आते हैं 1-5 पे, जिनका उन्होंने टापे भी उतारे होते हैं क्योंकि ना उनसे उनका स्वैग बढ़ता है, और वो बगैर टापों वाली 1-5 पे जो आते हैं ना लड़के, वो अगले बंदे को ऐसा कुटते हैं उसका पिंजा निकाल देते हैं। अभी जो बर्गर वहां होती है ना इनका फड्डा होता है ना, ये भाई किसी को नहीं बुलाते, ये लोग बुलाते हैं अपनी अम्मी को, और इनकी अम्मी भी आगे आगे से ऐसी इंग्लिश मारती है कि ना बंदा कहता है आंटी वाह, मतलब समझ कुछ भी नहीं आ रही होती, बच्चा बस यूं होता है जी आंटी जी नहीं आंटी नहीं जी, मतलब समझ कुछ भी नहीं आ रही थी, बस इतना समझ आ रहा होता है कि आंटी सामने खड़ी है अपने पुत्र को डिफेंड कर रही है और मुझ पर लान तान कर रही है, इतना समझना काफी है, इससे आगे ना जरा गड़बड़ हो जाती है। इफ यू आर नॉट कैनली सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज स्मैश द सब्सक्राइब बटन, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी अच्छा हाँ, और एक और बात कहना यार प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड अगर आप में से कोई बर्गर है, वैसे मैंने कहा इस्लामाबाद वगैरह वाला सीन मैंने बताया था, मैं भी इस्लामाबाद से हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तो लास्ट वीडियो पे ना बहुत से लोगों ने गालियां वगैरह दी थी जिसकी कोई वजह नहीं थी, मैंने उस वीडियो में भी छोड़ अच्छा उसमें तो नहीं था का, अभी कहता हूँ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू ऑफेंड एनीवन, सो अगर किसी के दिल में दर्द हुआ आई एम सॉरी, दैट इज अ व्लॉग, मैं अगले हफ्ते नाराज आ रहा हूँ उसके बारे में भी व्लॉग अन करीब आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, टिल देन अल्लाह हाफिज़। एक अदद आईफोन लें और फिर आप लोग एक अदद स्मार्ट वॉच लें, अब आप लोग उस आईफोन को